36 साल का उम्र का एक आदमी हूँ और मेरे दो लड़की है, वो पढ़ाई करेंगे तो उनको कहाँ जाएंगे बताओ तुम, कहाँ जाएंगे हमारा सर्टिफिकेट लेके? तुम तो न्यूज बना रहे हमारा, हम क्या जाएंगे आईटीआई सर्टिफिकेट के कुर्ता लेके जाएंगे? वहाँ जो ट्रेनिंग करवाती है उनको स्थायी नौकरी दो, क्योंकि हम आईटीआई पास है, रेल अपेंटिस पास है, प्रैक्टिकल हो गया है, और कितना एग्जाम देंगे हम? एग्जाम देके बूढ़ा हो जाएंगे हमें, क्योंकि भारत में एक ही आदमी करोड़पति होता है, ठेकेदार करोड़पति होता है, बाकी सभी भिखारी बनने वाले है भारत में। अरे पूरा साल निकल जाएगा, इलेक्शन आ जाएगा, नई कुर्सी बैठा लेंगे, वही राजा बैठ जाएगा, प्रजा गई भाड़ में, पब्लिक भी गई भाड़ में, हाँ शाम को वाहवा होना है, घूमना होना बस। जो युवा है उसके रेल अपेंडिक्स से सिर्फ काम करवाती है 7,000 में। आज मैं भारत में नौकरी नहीं दे रही है, सिर्फ ट्रेनिंग करके बाहर छोड़ दे रही है, जैसा कि उनका मतलब निकल जा रहा है, क्योंकि आने वाले में आने वाली सरकार सब प्राइवेटीकरण कर रही है। अभी देखो तुम, तेजस रेलवे प्राइवेट में, वंदे भारत निकल गई, सभी स्टेशन प्राइवेट में गए। तो मैं आज 36 साल का उम्र का एक आदमी हूँ और मेरे दो लड़की है, वो पढ़ाई करेंगे तो उनको कहाँ जाएंगे बताओ तुम? 2014 से बीजेपी सरकार आई, जब से फैक्ट्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भारत में कितनी है तुमको बताओ? मेरे को तो मालूम नहीं, पर 2014 से अभी तक फैक्ट्री की वैकेंसी निकली नहीं, नवा टैकेट की निकली नहीं, सिर्फ अपेंडिस के नाम पे रेलवे से ट्रेनिंग करवाती है रेल अपेंडिस युवाओं से, पर बेरोजगार है। पर हम सर्टिफिकेट क्या करेंगे भारत में, घुमाएंगे क्या सर्टिफिकेट? ठीक है, अरे अमृतकाल का है, अमृतकाल युवा बेरोजगार है, तुम बेरोजगार है, तुम्हारा सर्टिफिकेट तुमने तुम एक बना रहे न्यूज का, हमारे हम कहाँ जाएंगे हमारा सर्टिफिकेट लेके? तुम तो न्यूज बना रहे हमारा, हम क्या जाएंगे आईटीआई सर्टिफिकेट के कुर्ता लेके जाएंगे? वहाँ सभी तो ठेकेदारी बदल कर दिए, रेलवे में ठेकेदारी कर दिए, कल्याण किए सही है तुम्हारा बोलना, पर हमारा ट्रेनिंग करके मैं 2013 से घर पे है, पर हम ट्रेनिंग कर पे डीओपीटी गाइडलाइन ने मंत्रालय को कहा है कि भाई डायरेक्ट जो ट्रेनिंग करवाती है उनको स्थायी नौकरी दो, क्योंकि हम आईटीआई पास है, रेल अपेंटिस पास है, प्रैक्टिकल हो गया है, और कितना एग्जाम देंगे हम? एग्जाम देके बूढ़ा हो जाएंगे हमें। प्रधानमंत्री जी ने 508 जो है, और यही कारण है कि वो लोग अमृत भारत स्टेशन की शुरुआत की है। सीए तुम्हारा अमृत भारत की योजना सिवाय पर सभी प्राइवेट में जा रहे ना, वहाँ हम कहाँ जाएंगे? हम नौकरी किसके मारेंगे? ठेकेदार को दे देंगे, ठेकेदार गवर्नमेंट ठेकेदार को 800 के हिसाब से पेमेंट देती है, लेबर को 500 के हिसाब से देती है, और ठेकेदार क्या करता है? 250 के हिसाब से काम करवाती है, 62 उम्र वाले से काम करवाती है, कम बिन शिक्षित लोगों से काम करवाती है, इसलिए 80 हो रहे रेलवे में, कोई रेलवे नीचे गिर रही है, कोई बंगाल में गिर रही है, क्यों गिर रही है? हम शिक्षित आदमी ट्रेनिंग होके घर पे बैठे हैं ना, चलो ठीक है उद्घाटन कर रहे हैं, पर हमारा कहा जाओ, हमारा क्या उद्घाटन होने वाला है? हम सर्टिफिकेट लेके घर पे बैठे हैं, फिर हमारा भी सोचना पड़ता है, हमारा भी युवा का रेल अपेंटिस का सभी का उद्घाटन करो, सर्टिफिकेट देके उनको स्थायी नौकरी दो डीओपीटी गाइडलाइन से। सही है तुम्हारा, सही है। 2013 में 2005 में आईटीआई किया, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता, समर रोजगार मंत्रालय के सी डेवलपमेंट, हमको सर्टिफिकेट दिया है, हमने आईटीआई एग्जाम पास हुए, प्रैक्टिकल पास हुए, बाद में रेल क्या करती है, भर्ती निकालती है अपेंटिस की, वहाँ भी हमारा स्किल के ऊपर हमको सिलेक्शन होता है, मेडिकल होता है, ऊपर से ट्रेनिंग 2 साल करवाती है रेलवे हमारे से, वहाँ हर 6-6 महीने में अलग अलग वर्कशॉप में काम करवाती, क्यों करवाती है? हमको स्किल बनाती है, क्यों बनाती है स्किल? जब भारत में जब आपातकालीन सिस्टम आती है, जब मालूम है जब जिस टाइम में कारगिल के टाइम में आए थे, जब जो कौन सा आर्मी है टेरिटोरियल आर्मी में 2-2, 3-3 साल करवाती थी, उनको डायरेक्ट उठाती थी, पर हमको भी उठाओ ना, हम भी तो ट्रेनिंग वाले। प्रधानमंत्री ने कहा स्किल इंडिया मेक इन इंडिया, फेक है, मैं बोलता सही है तुम्हारा, सही है। प्रधानमंत्री बोलते हैं स्किल है, बाद में बोलते हैं चाय बेचो, हम सर्टिफिकेट लेके कहा जाएंगे? ठेकेदारी बंद, लाइसेंस बंद करो उनका, हमको डायरेक्ट नौकरी दो, उनको काय को 800 दे रहे, 800 के हिसाब से महीने का पेमेंट कितना हो रहा है, कितना
चुका है और अट चुका है हिसाब से महीने का पेमेंट, तुमको मालूम है वही पेमेंट हमको डायरेक्ट हमको ज्वाइनिंग दो ना, जैसा जैसा पासवान ने किया था, जैसा लालू ने संसद में पास किया था, संसद में बाद में पासवान ने अपेंडिक्स को दिया था, बालू लालू सदन में लालू प्रसाद यादव ने बोला था जब मुख्यमंत्री थे, उनने बोला ठेकेदारी बंद करो, डायरेक्ट ट्रेनिंग वालों को भर्ती करो, ठेकेदार को ठेका मत दो, क्योंकि भारत में एक ही आदमी करोड़पति होता है, ठेकेदार करोड़पति होता है, बाकी सभी भिखारी बनने वाले है भारत में आने वाले, सब कॉलेज बंद करने वाले, तुम भी बंद गिरने वाले, ये भी सही बोलते हो, तुम सिर्फ न्यूज लेंगे बस, हम क्या करेंगे, हम वो सर्टिफिकेट लेके वो कटोरे में लेके बढ़ेंगे, सरकार हमको दो, सरकार क्या करेंगी, ठेकेदारी बदल के ठेके वाले को पेमेंट देंगे, हम क्या जाएंगे, सब कॉलेज भी बंद गिरने वाले। मोदी जी कह रहे हैं इंडिया में सब चंगा सी, चंगा कहते तो हम काय को आते थे जंतर मंतर में, हम भी तो भारत के नागरिक है, किसलिए आ रहे हम, क्या बाहर से बुलाया हमको, मैंने में हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे उनको बताने का काम किया था, जब जलगांव में उनकी सभा भरी थी उस टाइम सर्टिफिकेट लेके गया था, प्राइम मिनिस्टर का जो आई कार्ड रहता है अपना अंतरिक्ष कार्ड मैंने रजिस्टर किया था उनका, उसी मेरे पास है, मेरा पूरे जीवन का था, मैंने उनको भेजी है, अभी तक उत्तर मिला नहीं मेरे को उसका, वो मैंने अरे 24 घंटे काम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो 24 घंटे काम करती है, किस लिए काम करती है, पब्लिक के लिए क्या नहीं है भारत में, आप ही के लिए तो काम, तुम काय को बोल रहे हमको, तुम भारत में काम करती है पर हमारे लिए करती ना, पर हमारे लिए काम है यार, काम का काम है, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर किस लिए आती है, फिर सिर्फ वोटिंग के लिए आती है, हमारा हक के लिए करना मांगते हैं, मन की बात करते हैं, मन की बात जान लेते हैं, कुछ नहीं जानते, कभी भारत में प्राइम मिनिस्टर ने कभी बोला कि रेल अपेंटिस युवा हो मेरे पास बैठो, तुम्हारे मन की बात बताओ, मैं तो ट्विटर के माध्यम से मेरा बड़ा भाई बता रहा है, बहुत दिन से आठ पिछले साल भी आया था मैं इधर, पिछले साल भी आया था इधर जंतर मंतर में वो बताने के लिए, जब तो सरकार नहीं थी 2014 में आई थी सरकार, हम वही तो काम बताने के लिए आए ना, आपने ज्ञापन दिया एक ज्ञापन दिया है, सब दिया है, एक क्या आश्वासन मिला आपको, आश्वासन क्या लेखी में बस रिसीव मिलता है, बस रिसीव क्या है भारत में, क्या है मालूम है भारत में ऐसा होना है, बस आश्वासन देंगे, बस आश्वासन हो जाएगा, दो दिन में हो जाएगा, तीन दिन में हो जाएगा, अरे पूरा साल निकल जाएगा, इलेक्शन आ जाएगा, नई कुर्सी बिठा लेंगे, वही राजा बैठ जाएगा, प्रजा गई भाड़ में, पब्लिक भी गई भाड़ में, हाँ शाम को वाहवा होना है, घूमना होना, बस मैं मेरे आने वाली पीढ़ी जो मेरा युवा है, जो रेल अपेंटिस है, आईटीआई है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन कोई भी क्षेत्र का शिक्षण रहो, भारत में सभी ठेकेदारी बन रही है और सभी युवा घर पे बैठे हैं, इसलिए मैं भावुक हो गया, क्यों आने वाला जैसा पाकिस्तान में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, म्यांमार में हो रहा है, वैसा होने वाला है, क्यों कि सभी लोग कॉलेज के सर्टिफिकेट लेके घर पे बैठने वाले हैं, क्यों बैठने वाले, सभी प्राइवेट में जा रहा है ना, प्राइवेट क्यों दे रहे, काय को दे रहे उसको 800 रुपए काय को दे रहे, 1 करोड़पति बन रहा ना, अरे भारत का जो युवा है तुमको वोटिंग कर रहा, उनको नौकरी पे लगाओ ना, वही पेमेंट उसको दो ना, उनका 4 बच्चे पेट भरेंगे।